नालागढ़ में पिछले दो दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण नालागढ़ के रामशहर में बाली मझेड़ गांव अब धसना शुरू हो चुका है। यहां मकानों में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं, वहीं सड़कों, खेतों और अन्य जगहों पर भी दरारें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। पूरे गांव के धसने की खबर के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गांव का दौरा किया है और दौरा करने के बाद पूरे गांव को अनसेफ घोषित करते हुए गांववासियों को गांव खाली करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो दो दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है नालागढ़ में, जहां पर गांव धसना शुरू हो गया है। बाली मझेड़ नाम का यह गांव है जो धसना शुरू हो गया है। तो इसके बाद अधिकारियों ने गांव को अनसेफ घोषित कर दिया गया है और वहां पर जो लोग हैं, जो जिनके घर हैं, उन लोगों को बोला गया है कि इस गांव को जल्द से जल्द खाली कर दें, क्योंकि गांव पूरे का पूरा धसना शुरू हो गया है। मकान पर, दीवारों पर जो दरारें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से मकान किसी भी वक्त ढह सकते हैं, जिसमें किसी की भी हानि हो सकती है, जानमाल की हानि हो सकती है। सो इसी को देखते हुए अधिकारियों ने गांव को अनसेफ घोषित कर दिया है और जल्द से गांव वालों को गांव खाली कराने के निर्देश भी दिए हैं। जो यहां ग्राम पंचायत रामशहर का एक मझेड़ गांव है, वहां का दौरा किया। वहाँ पर 8 मकान जो है वो अनसेफ हो चुके हैं। भूमि की स्थिति दलदल होने के कारण धस रही है और इस प्रकार उन लोगों को दूसरे घरों में शिफ्ट करने की सलाह भी दी गई थी, जिसके लिए वो खुद ही दूसरे घरों में, अपने अपने किसी रिश्तेदारों में के घरों में शिफ्ट हो रहे हैं। और मौका पर जब हमने देखा तो वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है और उनकी वो सामान उठा रहे थे और जब हमने सामान उनके लिए सामान वगैरह उठाने के लिए और जो भी मकानों का नुकसान हो, और परसों से बारिश जो है वो नहीं रुक रही है, रोज़ ही आ रही है और थोड़ा थोड़ा करके जो हमारे घर हैं वो ज़मीन में धस रहे हैं। इसके लिए आज हमारे यहाँ पे हमारे तहसीलदार साहब भी आए थे, डिपार्टमेंट PWD भी आया था, सारी चेकिंग करके गए हैं वो, और साथ में हमारे जिला परिषद और प्रधान, पूर्व प्रधान, उप प्रधान जी सारे आए थे। और इस आपदा को देखते हुए जो हमारे तहसीलदार साहब ने हमारे लिए जनहित के लिए जो राशि दी है 3000 रुपये और प्लस तरपाल दी है, इसके बाद भी मैं आशा करता हूँ सरकार से, क्योंकि हमारे जो ये 8 घर हैं ये बिल्कुल अनसेफ हैं, ये धसते ही जा रहे हैं परसों से। तो गांव वालों को गांव खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों ने। जब गांव में इस तरह की तस्वीरें सामने आई कि गांव धसने लगा है, तो उन्होंने दौरा किया प्रशासनिक अधिकारियों ने, जिनकी वजह से उन्होंने इस गांव के हालत को देखते हुए यह निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द गांव वालों को यह स्थान छोड़ देना चाहिए। हिमाचल में भारतीय जनता